अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट टू ADP शॉर्ट क्वेश्चंस को स्टार्ट करने जा रहे हैं फाइनल टर्म के लिए। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ आर्टिकल? आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल को डिफाइन कीजिए और उसकी टाइप्स को एग्जांपल्स के साथ बयान कीजिए। आर्टिकल्स आर वर्ड्स दैट डिफाइन अ नाउन एज ए स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक। कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल्स। After the long day, the cup of tea tasted particularly good. By using the article the, we have shown that it was one specific date that was long and one specific cup of tea that tasted good. Clear? इस example में अब ये है कि एक लंबा दिन काफ़ी अरसे के बाद या लंबे दिन के बाद या एक लंबे दिन के अख्ताम पर एक कप ऑफ़ टी जो है उसे टेस्ट किया गया, जो कि बड़ा ही मज़े का है। अब इसमें हमने कप के साथ वर्ड लगाया है दी, जो कि अब इसके अंदर दी जो है ये शो कर रहा है कि ये कुछ स्पेसिफ़िक डेट है और ये किसी लॉन्ग टाइम को या फिर किसी स्पेसिफ़िक कप ऑफ टी को जो है ये मेंशन कर रहा है दी, जो कि बड़ा ही मज़े का है, जिसका टेस्ट जो था वो बड़ा ही मज़े का था। तो जो हमारे पास पहला आर्टिकल है वो इसमें है दी। सेकंड अब देखते हैं, आफ्टर अ लॉन्ग डे अ कप ऑफ टी टेस्ट पर्टिकुलरली गुड। अब इस एग्जांपल में जो आर्टिकल आप लोगों के पास यूज़ हुआ है वो है ए, ए कप, एक कप जो है वो। बाय यूजिंग द आर्टिकल ए वी हैव क्रिएटेड अ जनरल स्टेटमेंट। हमने एक जनरल सी स्टेटमेंट बना दी है ए को यूज़ करने के बाद, इम्प्लाइंग दैट एनी कप ऑफ टी वो टेस्ट गुड आफ्टर एनी लॉन्ग डे। कि जब भी हम काफ़ी दिनों के बाद या काफ़ी थकावट के बाद जब भी हम कोई एक कप ऑफ़ टी लेंगे तो हमें काफ़ी टेस्टफुल लगेगा। तो सेकंड जो है हमारे पास आर्टिकल वो ए आ गया है। ठीक है जी, पहले हमारे पास था दी, सेकंड पे ए। आई वर्ड यूज्ड विद ए नाउन दैट स्पेसिफाइज वेदर द नाउन इज़ डेफिनेट और इनडेफिनेट इज़ कॉल्ड एन आर्टिकल। In English, the objectives a, an, and the are used as articles. तो अब आप लोगों के पास ये तीन articles होते हैं a, an और the, जिसको हम use करते हैं sentences में। ठीक है, और जो के relationship show करते हैं आया कि ये जो noun है वो definite है, indefinite है, और उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम articles कहते हैं। Next question की तरफ बढ़ते हैं अब। What are kinds of articles? Articles की kind को बताइए। There are two kinds of article. Number one, indefinite and definite. What is definite article? The definite article is the word the. The जो है हम उसे definite article कहते हैं। It limits the meaning of a noun to one particular thing. For example, your friend might ask, "Are you going to the party this weekend?" The definite article tells you that your friend is referring to a specific party that both of you know about. The definite article can be used with singular, plural, or uncountable nouns. Below are some examples of definite article the used in context. Please give me the hammer. Please give me the red hammer. The blue one is too small. In this way, you can know about the article the. The second one is, what is indefinite article? Indefinite article क्या होता है? The indefinite article takes two forms. इसकी दो किस्में होती हैं। It is the word a when it precedes a word that begins with a consonant. A को हम कब लगाते हैं? जब भी कोई consonant sound हमारे पास आता है तो उसके साथ हम article a का use करते हैं। It is the word and when it precedes a word that begins with a vowel. The indefinite article indicates that a noun refers to a general idea. Indefinite article जो होता है वो ये इशारा देता इशारा देता है कि noun जो है वो general idea के बारे में बता रहा है हमें। तो general सा idea है, एक आम सी statement है, उसके बारे में या किसी particular thing के बारे में बताया जा रहा है। For example, मिसाल के तौर पर you might ask your friend, आप अपने दोस्त से कह सकते हैं, शुड आई ब्रिंग अ गिफ्ट टू द पार्टी। योर फ्रेंड विल अंडरस्टैंड दैट यू
और नॉट आस्किंग अबाउट अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ गिफ्ट और स्पेसिफिक आइटम। अब इसको एग्जांपल से और से आप लोगों को समझा देता हूँ कि आर्टिकल को कॉन्टेक्स्ट में हम कैसे यूज़ करते हैं। प्लीज़ हैंड मी अ बुक, एनी बुक विल डू। प्लीज़ हैंड मी एन ऑटोबायोग्राफी, एनी ऑटोबायोग्राफी विल डू। अब देखें इसमें जो ए है, ए सिंपल सी बुक के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। एन, एन हम कहाँ पे लगाते हैं? ऊपर मैंने आप लोगों को बताया कि एन का इस्तेमाल कहाँ पे हो गया और ए को हम कौन से साउंड से पहले लगाएंगे, तो इस चीज़ को आप लोगों ने माइंड में रखना है। डिफाइन पंक्चुएशन। पंक्चुएशन क्या होती है? मार्क्स और स्टॉप्स विच डिवाइड अलॉन्ग सेंटेंस और अ पैराग्राफ इंटू स्मॉल पार्ट्स टू इनेबल द रीडर टू अंडरस्टैंड द मीनिंग प्रॉपरली आर कॉल्ड पंक्चुएशन मार्क्स। पंक्चुएशन मार्क्स दरअसल ये अलामतें होती हैं, मिसाल के तौर पर कॉमा, फुल स्टॉप, साइन ऑफ इंटरोगेशन, ठीक है, और काफ़ी सारी जो अलामतें होती हैं हमारे पास, वो उन सब को हम क्या कहते हैं, ये पंक्चुएशन मार्क्स हैं, जो कि रीडर जो होता है वो आसानी से, जब भी राइटर जो है उनको यूज़ करता है तो रीडर के लिए आसानी हो जाती है चीज़ों को समझना। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें पता है कि जब भी हम फुल स्टॉप लगाएंगे तो इसका मतलब है कि बात कंप्लीट हो गई है, सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है। जब भी हम कॉमा यूज़ करेंगे तो इसका मतलब है कि अभी बात चल रही है, ठीक है। इसी तरह जब हम ब्रैकेट्स वगैरह यूज़ करते हैं और बाकी जितने भी साइंस हैं हमारे पास, वो सब के सब क्या कहलाते हैं? पंक्चुएशन मार्क्स कहलाते हैं हमारे पास। व्हाट आर पार्ट्स ऑफ स्पीच? पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? राइट नेम्स ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, अज्जाए कलाम, ठीक है, मीन्स के कलाम के हिस्से। देखिए जब भी हम बातचीत करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, तो वो दो तरह से होती है। नंबर वन, ऑरली, बोल के। जब भी हमें आपस में कोई भी बातचीत करना होती है तो हम बोल के करते हैं, और या फिर जब हम लिखना चाहते हैं तो तब भी हम आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं चीज़ों को लिख के। तो ये दो तरीके होते हैं जब भी हम बोलते हैं या लिखते हैं। तो इनमें हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं? अल्फाज इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और ये जो वर्ड्स होते हैं वो डिफरेंट कैटेगराइज के अंदर, उन्हें डिफरेंट कैटेगरी के अंदर तकसीम किया जाता है, और उन्हें हम क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो यह है एक जनरल सा आइडिया जो आप लोगों ने माइंड में रखना है। द डिफरेंट काइंड्स आर क्लासेस इन विच, और क्लासेस इन विच वर्ड्स आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर यूज़ आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसकी डेफिनेशन हो गई। नंबर वन, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रोनाउन, वर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, प्रपोजिशन, आर्टिकल्स बाय सम ग्रामेरियंस। अब ये जो मोस्टली जो एट टाइप्स हैं ऊपर वाली, वो अमूमन आपको हर किस्म की ग्रामर में मिल जाती हैं, लेकिन जो आर्टिकल्स हैं जिसमें ए, एन और दी, कुछ ग्रामेरियन के नज़दीक वो ये कहते हैं कि इन्हें भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में इंक्लूड करना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय अ नाउन? डिफाइन अ नाउन। व्हाट इज़ नाउन? एक्सप्लेन नाउन। डिफरेंट तरह से क्वेश्चन आ सकता है। अ नाउन इज़ अ वर्ड दैट नेम्स समथिंग, इधर अ पर्सन, प्लेस और थिंग एंड आइडिया। नाउन क्या होता है? किसी शख्स, चीज़, जगह या ख्याल का जो नाम होता है उसे हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। पर्सन में अब क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी? मैन, वुमेन, टीचर, आमिर, अंबर, एट्सेट्रा। प्लेस, होम, ऑफिस, टाउन, कंट्री साइड, पाकिस्तान, वो ये प्लेसेस हैं। थिंग, टेबल, कार, बनाना, मनी, म्यूजिक, कॉमन, लव, कमांडर, मंकी। अब ये सारी जितनी भी हैं ये चीज़ें हैं हमारे पास, पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। आइडिया में अब क्या क्या चीज़ें आती हैं? फीलिंग्स, इमोशंस, स्टेट, ऑनेस्टी, पेट्रियाटिज्म, सफोकेशन, डिप्रेशन। अब देखें यहाँ पे एक चैलेंज है आप सबके लिए कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, जिस मर्जी चीज़ को ले लें वो नाउन है, उसके बाद फिर वो फर्दर डिफरेंट कैटेगराइज के अंदर डिवाइड हो जाएगी, लेकिन सबसे पहले जो भी चीज़ आपके माइंड में आएगी वो नाउन होगी। अगर किसी को कोई ऐसा वर्ड मिले जो नाउन ना हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। इन अ सेंटेंस नाउन्स हैव सर्टेन फंक्शंस एंड कैन प्ले द रोल ऑफ सब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट फॉर्म, अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट,
ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, ए पॉजिटिव और एडजेक्टिव। ये रोल होता है जो कि, ये फंक्शन होता है, ये रोल होता है जो कि सेंटेंस में नाउन जो होता है वो प्ले कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल, सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, इसमें क्या, डॉक्टर्स वर्क हार्ड, टीचर्स वर्क हार्ड। ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ही लाइक्स कॉफ़ी, शी लाइक्स कोक। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, टीचर्स टीच स्टूडेंट्स। राइट नेम्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन, अब डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन जो है उनके नाम लिखिए। नाउन्स फ्रॉम अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ इंग्लिश वोकेबलरी एंड कम इन वाइड वराइटी ऑफ टाइप्स, बहुत सारी इसकी वराइटीज़ हैं। देखते हैं कौन कौन सी, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कंक्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, कोलेक्टिव नाउन, कंपाउंड नाउन, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। ये हमारे पास इसकी कुछ कैटेगराइज हैं। सबसे पहले कॉमन नाउन को देखते हैं क्या होता है। मोस्ट नाउन्स आर कॉमन नाउन्स। अ कॉमन नाउन रेफर्स टू पीपल, प्लेस एंड थिंग्स इन जनरल, लाइक चेयर और डॉग, मोबाइल, कार एट्सेट्रा, दे आर ऑल कॉमन नाउन्स। एक टीचर, कार, म्यूजिक, फॉर्मेट, डेंजर, रिसेप्ट। हैव यू सीन माई बाइक, हेयर वट इज़ द नाउन, बाइक, बाइक इज़ अ नाउन, बिकॉज यहाँ पे देखें बाइक को मेंशन नहीं किया गया कौन सी कंपनी की है, आइदर इट इज़ हैवी बाइक और सिंपल, कौन सी हमें नहीं पता। तो इसमें क्या है कि बाइक का जो वर्ड है वो कॉमन नाउन है, सब लोग इस्तेमाल करते हैं। द बुक्स आर ऑन योर डेस्क, आई बॉट अ न्यू कार लास्ट मंथ, वॉट इज़ मीन बाय प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है, नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस और ऑर्गेनाइजेशंस आर प्रॉपर नाउन्स। योर नेम इज़ अ प्रॉपर नाउन, लंदन इज़ अ प्रॉपर नाउन, यूनाइटेड नेशंस इज़ अ प्रॉपर नाउन। रूल, प्रॉपर नाउन्स ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, थाईलैंड, संडे, जेम्स बॉन्ड, आइंस्टाइन, सुपरमैन, शेक्सपियर, कायदे आज़म। आप देखें जितने भी नाम हैं हमारे पास, ये सब के सब कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू माई कज़न, द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज़ इस्लामाबाद, ही इज़ चेयरमैन ऑफ ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, आई वॉज बॉर्न इन अगस्त। वट इज़ मीन बाई कंक्रीट नाउन, अ कंक्रीट नाउन इज़ अ नाउन दैट कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू वन ऑफ द फाइव सेंसेस दैट आर टेस्ट, टच, साइट, हेयरिंग और स्मेल। दे आर फाइव सेंसेस एंड अ कंक्रीट नाउन इज़ अ नाउन दैट कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू वन ऑफ द फाइव सेंसेस। कंसिडर द एग्जाम्पल्स बिलो, वुड समवन प्लीज़ आंसर द फोन, इन द सेंटेंस द नाउन्स फोन इज़ कंक्रीट नाउन, यू कैन टच इट, से इट एंड हेयर इट। वट इज़ मीन बाई एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ अ नाउन दैट कैन नॉट बी परसीव यूजिंग वन ऑफ द फाइव सेंसेस दैट आर टेस्ट, टच, साइट, हेयरिंग एंड स्मेलिंग। लुक एट द एग्जाम्पल्स बिलो, वी कॉन्ट इमेजिन द करेज इट टुक टू डू दैट। करेज इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन बिकॉज कैन नॉट बी सीन, कैन नॉट बी हर्ड, कैन नॉट बी टेस्टेड, कैन नॉट बी टच्ड एंड कैन नॉट बी स्मेल्ड। सो दैट्स वाई वी कैन से दैट इफ वी टेस्ट अ थिंग, टच अ थिंग, साइट अ थिंग, हेयर अ थिंग और स्मेल अ थिंग, देन इट मे बी अ कंक्रीट नाउन, एंड इफ वी डजेंट डू दैट देन वी से दैट दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बिकॉज वी कैन नॉट टच, वी कैन नॉट सी, वी कैन नॉट टेस्ट, वी कैन नॉट हेयर, जस्ट वी कैन फील इट। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अदर एग्जाम्पल्स, ही हैज़ ग्रेट स्ट्रेंथ, क्या आप लोगों ने कभी स्ट्रेंथ देखी है, सिर्फ फील की जाती है।
व्हाट अ फ्रेग्रेंस, हाउ हाउ शी इज ब्यूटीफुल, टू मच ब्यूटीफुल गर्ल। अब इन एग्जांपल्स में देखें, ब्यूटीफुल, फ्रेग्रेंस, अब ये जो वर्ड्स हैं ये कभी किसी ने नहीं देखे, सिर्फ फील किए जाते हैं। शी इज़ टू मच प्रीटी। अब प्रीटी जो वर्ड है ये खूबसूरती के लिए, तो खूबसूरती कभी किसी ने नहीं देखी, जस्ट फील की जाती है, किसी ने टच किया है खूबसूरती को। देयर लाइव्स वर फुल ऑफ सैडनेस। हियर सैडनेस इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन बिकॉज वी कैन नॉट सी सैडनेस, वी कैन जस्ट फील इट। होप यू अंडरस्टैंड। वट इज मीन बाय कोलेक्टिव नाउन? कोलेक्टिव नाउन इज अ नाउन दैट रिप्रेजेंट्स अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, यूजली पीपल, सच एज अ टीम, फॉर एग्जाम्पल 11 फुटबॉल प्लेयर्स और क्रिकेट टीम, अ फैमिली, फॉर एग्जाम्पल मदर फादर एंड टू चिल्ड्रन, अ क्रू, फॉर एग्जाम्पल 100 सेलर्स। एज यू सी, कलेक्टिव नाउन्स कैन कंसिस्ट ऑफ अ फ्यू पीपल और टेंस, हंड्रेड और थाउजेंड्स ऑफ पीपल। कॉमेटी, जेरी, सेनेट, कंपनी, ऑडियंस, पुलिस एंड आर्मी आर कलेक्टिव नाउन्स दैट वी मोस्ट यूज इन आवर सेंटेंसेस और डेली लाइफ। रोल, कलेक्टिव नाउन्स कैन बी ट्रीटेड एज ए सिंगुलर और प्लूरल। हिज फैमिली लिव्स इन डिफरेंट कंट्रीज, एन एवरेज फैमिली कंसिस्ट ऑफ 4 पीपल। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल मीट टुमारो। वट इज मीन बाय कंपाउंड नाउन? बैक अबाउट नाउ कंटेन्स टू और मोर वर्ड्स दैट जॉइन टूगेदर टू मेक अ सिंगल नाउन। कॉमन लाइक कीबोर्ड, ए कंपाउंड नाउन इज अ टाइप ऑफ कंपाउंड वर्ड दैट इज यूज टू डेजिग्नेट अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ईच कंपाउंड नाउन एक्ट्स एज ए सिंगल यूनिट एंड कैन बी मॉडिफाइड बाय एडजेक्टिव्स एंड अदर नाउन्स। कंपाउंड नाउन्स में क्या होता है हमारे पास, के डिफरेंट जो वर्ड्स होते हैं उन्हें जोड़ा जाता है और एक नाउन के तौर पर उन्हें पेश किया जाता है, दैट्स वे वी कॉल कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड नाउन्स हैव थ्री डिफरेंट फॉर्म्स, ओपन और स्पेस्ड, स्पेस बिटवीन वर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल बस स्टॉप, हाइफनेटेड बिटवीन वर्ड्स, मदर इन लॉ, ये जो साइन यूज़ हुआ है ये हाइफन यूज़ हो रहे हैं आप लोगों के, ऊपर जो था वो गैप था, बस स्टॉप, मदर इन लॉ, यहाँ पर हाइफन यूज़ हो रहे हैं। एंड क्लोज्ड और सॉलिड, नो स्पेस और बिटवीन वर्ड्स, फुटबॉल, देर आर थ्री फॉर्म्स ऑफ कंपाउंड नाउन। एग्जाम्पल्स, कैट फूड, ब्लैक बोर्ड, ब्रेकफास्ट, फुल मून, वॉशिंग मशीन, सॉफ्टवेयर। वॉट इज मीन बाय काउंटेबल नाउन? काउंटेबल नाउन रेफर टू एन आइटम दैट कैन बी काउंटेड इवन इफ द नंबर माइट बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई, लाइक काउंटिंग ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल, काउंटेबल नाउन्स कैन बी यूज विद आर्टिकल्स सच एज ए एंड एंड दी और क्वान्टिफायर्स सच एज अ फ्यू एंड मैनी। हेयर इज अ कैट, कैट इज सिंगुलर एंड काउंटेबल। हेयर आर फ्यू कैट्स, हेयर आर सम कैट्स। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ काउंटेबल नाउन इंक्लूड हाउस, आइडिया, हैंड, कार, फ्लावर एंड पेपर। वट इज मीन बाय अनकाउंटेबल नाउन? दैट इज टोटली ऑपोजिट टू काउंटेबल नाउन, रिमेंबर। एन अनकाउंटेबल नाउन इज अ नाउन दैट कम्स इन अ स्टेट और क्वान्टिटी दैट इज इम्पॉसिबल टू काउंट। लिक्विड्स आर अनकाउंटेबल एज थिंग्स दैट एक्ट लाइक लिक्विड, फॉर एग्जाम्पल सैंड और एयर, दैट इज अनकाउंटेबल, दे आर अनकाउंटेबल। एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज लाइक क्रिएटिविटी
और करेज आर आल्सो अनकाउंटेबल, वी कैन नॉट काउंट देम। क्या किसी ने किसी ब्रेव शख्स की ब्रेवरी को जांचा है? कोई पैमाना है ब्रेवरी का, करीज का कोई पैमाना, आइडियाज़ का कोई, आप लोगों के पास किसी किस्म का कोई भी एक मेयार हो, कोई भी एक पैमाना हो जिससे आप उसको माप सकें? ऐसा नहीं होता। एन अनकाउंटेबल नाउन इज़ ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी सिंगुलर एंड कैन स्टैंड अलोन और बी यूज विद सम, एनी, अ लिटिल एंड मच, से द एग्जाम्पल बिलो फॉर रेफरेंस। एन आई क्यू टेस्ट मेयर्स इंटेलिजेंस, आई क्यू टेस्ट मेयर्स इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस इज एन अनकाउंटेबल नाउन, वी कैन नॉट काउंट द इंटेलिजेंस। रूल, वी नेवर यूज अनकाउंटेबल नाउन्स विद द इनडेफिनेट आर्टिकल ए एंड दी, ए और एन। अनकाउंटेबल नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर, फॉर एग्जाम्पल वाटर, हैप्पीनेस, चीज। लुक, ऑल दीज थ्री वर्ड्स आर सिंगुलर एंड अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज यूज विद इनडेफिनेट आर्टिकल दैट आर ए और एन। वट इज मीन बाय प्रोनाउन, वट इज प्रोनाउन? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट रिप्लेसिज अ नाउन इन अ सेंटेंस। प्रोनाउन्स आर यूज टू अवॉइड रिपीटिंग द सम नाउन्स ओवर एंड ओवर अगेन। नाउन, प्रोनाउन क्या होते हैं? जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होते हैं। अली इज एबसेंट बिकॉज ही इज इल, अली इज एबसेंट बिकॉज ही इज इन। अब इसमें देखें, पहले आपके पास जो सब्जेक्ट यूज़ हुआ है वो अली यूज़ हुआ है और बाद में उसकी जगह पर वर्ड ही लगाया जा रहा है रेपिटेशन से बचने के लिए। तो प्रोनाउन क्या होता है? ऐसा वर्ड जो नाउन की जगह पर लगाया जाए बार बार रेपिटेशन से बचने के लिए। कॉमन प्रोनाउन्स इंक्लूड आई, मी, माइन, ही, शी, इट, यू, वी एंड अस। दे आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन्स, ईच सर्विंग अ डिफरेंट पर्पज़। फॉर एग्जाम्पल, इट्स अप टू यू नाउ, फाइंड आउट दीज एग्जाम्पल्स। राइट द नेम ऑफ टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन्स, पोजेसिव प्रोनाउन्स, इनडेफिनेट प्रोनाउन्स, रिलेटिव प्रोनाउन्स, इंटेंसिव प्रोनाउन्स, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन्स, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन्स, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन्स। दे आर सम टाइप्स ऑफ प्रोनाउन्स। वट इज मीन बाय पर्सनल प्रोनाउन? अ पर्सनल प्रोनाउन इज अ शॉर्ट वर्ड वी यूज एज ए सिंपल सब्स्टिट्यूट फॉर द प्रॉपर नेम ऑफ अ पर्सन। ये एक छोटा सा नाम होता है जो किसी भी शख्स का नाम होता है, उसकी जगह पर जो वर्ड हम सिंपली इस्तेमाल करते हैं उस असल नाम की जगह पर, उसे हम क्या कहते हैं? ये पर्सनल प्रोनाउन है। ईच ऑफ द इंग्लिश पर्सनल प्रोनाउन्स शोज अस द ग्रामेटिकल पर्सन, जेंडर, नंबर एंड केस ऑफ द नाउन इट रिप्लेसेस। आई कैन एग्री, यू, दे, ही, शी, इट, मी, आस्क, अस, देम, हिम एंड हर ऑल पर्सनल प्रोनाउन्स। दे आर ऑल पर्सनल प्रोनाउन्स। देर आर टू काइंड्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन्स, नंबर वन सब्जेक्टिव प्रोनाउन्स एंड द सेकेंड वन इज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन्स। नाउ वट इज मीन बाय सब्जेक्टिव प्रोनाउन्स? पर्सनल प्रोनाउन्स कैन बी ईदर सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स इन अ सेंटेंस। सब्जेक्ट प्रोनाउन्स आर सेड टू बी इन द नॉमिनेटिव केस एंड दे आर सब्जेक्टिव प्रोनाउन्स। वट इज मीन बाय ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन्स? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन्स आर सेड टू बी इन द ऑब्जेक्टिव केस एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। दे आर आई, वी, यू, दे, ही, शी एंड इट। दे आर ऑब्जेक्टिव। वट इज मीन बाय पोजेसिव प्रोनाउन्स? पोजेसिव प्रोनाउन्स सो दैट समथिंग बिलोंग्स टू समवन मीन्स पोजेशन, जो मलकियती हालत होती है। पोजेसिव प्रोनाउन्स वो ऐसे होते हैं। द पोजेसिव प्रोनाउन्स आर माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स एंड देयर। इज दैट माई बुक?
No, that is his book. That is its shelf. I would like to see their bookshelves. There is also an independent form of each of these pronouns. For example, mine, ours, yours, his, hers, its, and theirs. Possessive pronouns are never spelled with apostrophes. जब भी हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउंस आएंगे उनको हम अपोस्ट्रॉफी लगा के कभी भी उसको नहीं करेंगे. क्लियर? दैट इज़ द रूल दैट यू हैव कैप्ट इन योर माइंड. फॉर एग्जाम्पल, दैट इज़ माइन. रॉन्ग, इट्स योर्स. सो आई सपोज दोज क्लॉथ्स आर योर्स. नो, इट्स चेयर्स. इट्स देयर्स. What is mean by indefinite pronouns? Indefinite pronouns do not point to particular nouns. We use them when an object does not need to be specifically identified. They include few, everyone, all, some, anything, and nobody. What is mean by relative pronouns? Relative pronouns are used to connect a class or phrase to a noun or pronoun. We often see them when we need to add more information. They are who, whom, which, whoever, whomever, whichever, and that. Here there is a mistake of spelling, and you must remember that who ke baad whom aayega, whom. The driver who ran the stop sign was careless. I don't know which pair of shoes you want. No, not that one. What is mean by intensive pronouns? Intensive pronouns emphasizes or intensify nouns and pronouns. Typically, we find them right after the noun they are intensifying. These pronouns टिपिकली एंड इन सेल्फ और सेल्व. दरअसल ये जो इंटेंसिव प्रोनाउंस होते हैं ये इनका जो इख्तिताम होता है वर्ड्स के साथ वो होता है सेल्फ पर. एंडिंग जो होती है वो सेल्फ पर या सेल्व पर होती है. फॉर एग्जाम्पल, माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, फॉर्मर देम सेल्व, इट सेल्फ, फॉर्मर योर सेल्फ, योर सेल्व, आवर सेल्फ. आई माई सेल्फ लाइक टू ट्रेवल. ही हिम सेल्फ इज हिज वर्स्ट क्रिटिक. शी अप्रूव द मैरिज हर सेल्फ. तो ये जितने भी हमारे पास सेल्फ जहाँ पे एंड पे या सेल्फ आ जाएगा तो ये आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि ये इंटेंसिव प्रोनाउन ही है. इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम. व्हाट इज मीन बाय डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन? डिमोन्स्ट्रेशन, बयान करना. रिमेंबर, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस टेक द प्लेस ऑफ अ नाउन दैट इज़ ऑलरेडी बीइंग मेंशन्ड. ये हम उस जगह पर लगाते हैं जिसका जिक्र पहले ही हो चुका होता है. दे कैन बी सिंगुलर और प्लूरल. देयर आर फाइव ऑफ देम. दे इंक्लूड दिस, दैट, दीज, दोज एंड सच. दिस, दैट, दीज, दोज एंड सच आर डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. What is mean by interrogative pronouns? Interrogative pronouns pose a question. They are through whom, which, what. Here there is a mistake in the word whom. WHOM. Okay. Who is going to arrive first? What are you bringing to the party? Which of these do you like better? What is mean by reflexive pronouns? Reflexive pronouns are similar to intensive pronouns. The difference between the two is that intensive pronouns are not essential to us in sentences meaning. Meanwhile, reflexive pronouns are also they are used when the subject and object of a sentence refer to the same person or thing. These pronouns and in self or selves. They are myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, and themselves. Thank you very much.
जिस चीज़ की समझ ना आई हो, जिस बात की समझ ना आई हो, आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछिएगा। और एंड पे आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। अब व्यूज़ अगर देखे जाएँ तो 600 तक व्यू है, और लाइक जो है वो वीडियो आप लोग करते नहीं हैं, तो इस तरह वीडियो की रैंकिंग पे बड़ा असर पड़ता है। आज जो है वो मैंने इतना एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि अब टाइम भी कम है और आप लोगों के पास जो है जस्ट आप लोगों ने याद करना है। ये सारी वही चीज़ें हैं जो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन क्या है कि जस्ट माइंड में रखिए कि पढ़ाया क्या जा रहा है, कौन सी टाइप है, इतना मुश्किल नहीं है। जहाँ पे थोड़े से मुश्किल वर्ड आ रहे थे, डिफ़िकल्ट वर्ड आ रहे थे, वहाँ पे मैंने उर्दू ट्रांसलेशन भी आप लोगों को बताई है। लेकिन फिर भी अगर किसी भी चीज़ की समझ ना आई हो, किसी सेंटेंस की समझ ना आई हो, किसी वर्ड की समझ ना आई हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। और प्लीज़ 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 इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।